सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रो एक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए प्रो एक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज से, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग और गूगल की तरफ से। और सैमसंग और गूगल दोनों ही मिलकर के फ्री स्मार्टफोन रिपेयरिंग कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए, यानी कि वो हेल्थ वर्कर्स जो कि हमारी सेफ्टी के लिए राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, उन्हीं सब के स्मार्टफोन अगर खराब होते हैं तो सैमसंग और गूगल दोनों मिलकर के फ्री में रिपेयर कर रहे हैं। और ये सर्विस हमें 30 जून तक देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग काम कर रहा है पॉपअप सेल्फी कैमरा के ऊपर, यानी कि सैमसंग की तरफ से हमें एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसके अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर हम रिपोर्ट्स की मानते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि सैमसंग की तरफ से आने वाले इसी स्मार्टफोन का जो प्राइस रेंज होने वाली है, यानी कि जो बजट होने वाला है, हमें मिड रेंज स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और यही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है एम सीरीज के अंदर या फिर ए सीरीज के अंदर। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हूँ अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है रियलमी की तरफ से। और रियलमी की तरफ से हमें एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और डिज़ाइन की कुछ लीक इमेजेस है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और उन्हीं लीक इमेजेस से जो अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं उनसे हमें यही पता लगता है कि ये स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, साथ ही में ये रियलमी की तरफ से आने वाला पहला गेमिंग स्मार्टफोन भी हो सकता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है वन प्लस की तरफ से। और वन प्लस की तरफ से जो हमें वन प्लस 8 सीरीज़ के साथ में चार्जर देखने को मिला था, यानी कि वन प्लस की तरफ से आने वाला पहला वायरलेस चार्जर जिसका नाम है वन प्लस वाप 30 वायरलेस चार्जर। और ये इंडिया के अंदर अवेलेबल होने वाला है 3999 रुपए के अंदर, साथ ही में ये काफ़ी अफोर्डेबल होने वाला है। और अगर हम इसी की कुछ खास स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसी चार्जर के अंदर हमें खुद का एक कूलिंग एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलता है जो कि पंप करता है हाई पावर को, यानी कि आपके स्मार्टफोन को जल्दी से जल्दी चार्ज करने में मदद करता है। साथ ही में इसके अंदर हमें बैड टाइम मोड भी देखने को मिलता है जो कि 10 वोल्ट की नॉर्मल चार्जिंग पर चार्ज करने वाला है आपके स्मार्टफोन को। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है ओप्पो की तरफ से। और ओप्पो ने अप्लाई किया है ट्रेडमार्क एक नए स्मार्टफोन नेम के लिए, यानी कि ओप्पो की तरफ से हमें रेनो ग्लो के नाम से देखने को मिल सकती है एक और सीरीज। और इसी नाम का ट्रेडमार्क करवाया है ओप्पो ने यूरोप के अंदर। और फिलहाल इसी ओप्पो रेनो ग्लो से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है वाईफाई 7 को लेकर के। और उम्मीदें लगाई जा रही है कि वाईफाई 7 हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की, तो रिपोर्ट से हमें पता लगता है जो टॉप स्पीड होने वाली है इसी वाईफाई 7 की, वो हमें अप टू 30 Gbps देखने को मिलती है, यानी कि 30 GB/s तक देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसके पुराने वर्जन की, यानी कि वाईफाई 6 की जो कि करंटली अवेलेबल है, तो उसके अंदर जो हमें स्पीड देखने को मिल रही है वो हमें मैक्सिमम 9.6 Gbps देखने को मिल रही है, यानी कि यही वाईफाई 7 तीन गुना से भी ज़्यादा तेज होने वाला है इसी वाईफाई 6 के मुकाबले। और साथ ही में ये कंज्यूम करने वाला है कम पावर वाईफाई 6 के मुकाबले। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है शाओमी की तरफ से। और शाओमी ने अनाउंस किया है अपना नया स्मार्टफोन मी 10 यूथ चाइना के अंदर। और अगर हम बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की, तो ये एक हमें मिड रेंज 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो होड़ चल रही है सबसे सस्ते स्मार्टफोन को लेकर के, यानी कि सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन को लेकर के, उसके अंदर हमें एक और स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं इसी की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G यानी कि 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है अप टू 50x ऑफ जूम, यानी कि 50x के हाइब्रिड जूम के साथ में। साथ ही में इसके अंदर हमें 6.5 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। और इसी डिस्प्ले के अंदर, यानी कि इसी डिस्प्ले के नीचे हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही में जो बैटरी है वो हमें 4160 mAh देखने को मिल रही है 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। और अगर बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की कीमत की, तो ये हमें करीब $300 देखने को मिल रही है। और इसे हम कन्वर्ट करते हैं अगर इंडियन करेंसी के अंदर, तो ये हमें करीब 22,848 रुपए देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है मी UI 12 को लेकर के। यानी कि शाओमी ने इसी मी 10 यूथ के साथ में लॉन्च किया है मी UI 12, और साथ ही में बताया है
कि ऑफिशियली यही अवेलेबल होने वाला है Redmi और Mi दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर, यानी कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर जो कि Redmi और Mi की तरफ से आते हैं उनके अंदर हमें यही देखने को मिलेगा MIUI 12, और ये काफ़ी सिक्योर और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी होने वाला है। साथ ही में इसके अंदर हमें प्राइवेसी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस है जिसके अंदर हमें एनिमेशंस देखने को मिल रही है इसी MIUI 12 की। MIUI 12 के कुछ लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में मल्टी विंडो और पिक्चर्स इन पिक्चर्स मोड भी देखने को मिल रहा है, और वो वीडियोज़ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है Mi Band 5 को लेकर के। और लीक से हमें पता लगता है कि इसी Mi Band 5 के अंदर जो स्क्रीन होने वाली है वो हमें Mi Band 4 के मुकाबले काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं Mi Band 4 के स्क्रीन साइज़ की, 0.95 इंच देखने को मिलता है। साथ ही में जो Mi Band 5 का साइज होने वाला है स्क्रीन का, वो हमें 1.2 इंच तक देखने को मिल सकता है, और ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। साथ ही में जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यही Mi Band 5 हमें ग्लोबल NFC सपोर्ट के साथ में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है Realme की तरफ से, और Realme की तरफ से आने वाला Realme TV, जो कि उनके CEO माधव सेठ ने पहले ही बताया था कि क्वार्टर टू के अंदर आने वाला है 2020 के अंदर, और उसी की सर्टिफिकेशन हो चुकी है गूगल की तरफ से, यानी कि एंड्रॉयड सर्टिफिकेशन हो गई है इसी Realme TV को लेकर के, और ये जल्द ही हमें देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और इससे पहले भी इसी Realme TV की कुछ सर्टिफिकेशन हुई थी रिमोट को लेकर के, जिसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी देखने को मिला था। तो आज के प्रोएक्टिव न्यूज़ में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ।